भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा क्षेत्र की गंगा नदी के जमुनी धारा में स्नान करने के दौरान एक 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई, जिसके शव को घटना की जानकारी मिलते ही मौके वारदात पर पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट गणेश ओझा और उनके सहयोगियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गंगा नदी से निकाला गया। शव को गंगा नदी से निकालने के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम के साथ नोकझोंक भी की। मृतक की पहचान जगदीशपुर के सतघड़ा निवासी निरंजन मंडल के 15 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई है, जो अपने रिश्तेदार के घर शंकरपुर दियारा आया हुआ था और गंगा स्नान करने के दौरान पांव फिसलने से गंगा के तेज धार में डूब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त करने के बाद एसडीआरएफ के कमांडेंट ने आम लोगों और जिला प्रशासन से एसडीआरएफ की टीम को सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की। वहीं मौके पर पहुंचे शंकरपुर पंचायत के मुखिया विश्वनाथ मंडल ने एसडीआरएफ की टीम के साथ अवैध व्यवहार करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। हालांकि पूरे रेस्क्यू के दौरान नाथनगर थाना पुलिस मौके पर मौजूद नहीं दिखी। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। शंकरपुर दियारा में छोटू कुमार लड़का जो था गंगा की उपधारा में डूब गया था। एसडीआरएफ हमारा गोताखोर रविशंकर जी और पूरे माझी उसके साथ में सभी जवान और इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में मिथिलेश कुमार, दीपक कुमार और सभी समस्त जवान, हमारे बहादुर जवान ने तुरंत क्विकली मुश्किल से 15 मिनट के अंदर में गोताखोरी करके निकाला गया। जिला पदाधिकारी भागलपुर महोदय का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम लोग क्विकली एक्शन करते हैं और रेस्क्यू कार्य में लग जाते हैं। और हम सभी जिलावासियों को कहेंगे कि जब एसडीआरएफ की टीम आती है उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। कभी कभी ऐसा आता है जो हम लोग के साथ में गलत व्यवहार हो जाता है। प्रशासन को भी चाहिए कि एसडीआरएफ के साथ में पुलिस को वहाँ पर ड्यूप्टेशन करें, जिससे कि एसडीआरएफ की छवि को वो लोग खराब ना करें। मेरे को जिलावासी प्रशासन से भी आग्रह है कि इतने बहादुर जवान गोताखोरी करके 100 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 50 फीट तक ले गहराई में जाते हैं और कोई ना कोई प्रतिवेदन समाज से आ जाती है जो इस तरह का हम लोग के लिए शोचनीय हो जाती है। कोई बात नहीं, हम लोग दुखित होते हैं, परिवार के साथ जितना दुखित होते उससे बेहतर हम लोग दुखित हो करके काम करते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉडी हम लोग सपुर्द कर देते हैं। भविष्य में हम लोग अपना काम इसी तरह से करते रहेंगे। हमारे को गाइडलाइन जिला पदाधिकारी महोदय को मिलता है और एसडीआरएफ अपना आपदा सेवा धर्म निभाती रहेगी। मैं इंस्पेक्टर गणेश ओझा, कंपनी कमांडर, भागलपुर टीम। सर, कहने का मतलब है कि आप लोग जहां रेस्क्यू करने जाते हैं वहां जिला प्रशासन मतलब पुलिस बल आप लोगों को सहायता नहीं करती है? पुलिस बल सहायता करती है, कभी कभी ऐसा चूक होता है जिसे कि नहीं होना चाहिए। एसडीआरएफ के साथ में हमेशा गाइडलाइन है, आपदा प्रबंधन बिहार सरकार की गाइडलाइन है कि जब एसडीआरएफ की टीम जाए वहां पर पुलिस कि उसको सपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए। कभी कभी नहीं जाती है जिससे कि एसडीआरएफ को। सर, आज लोकल थाना आए थे? आज लोकल थाना जब से हम आए हुए यहाँ पर कोई भी नहीं है। कौन सा थाना पड़ता है सर यह? नाथनगर थाना। इसकी सूचना कैसे मिली थी कि गंगा बच्चे में डूब गए? एसडीएम सदर महोदय के दूरभाष द्वारा और आपदा प्रभारी भागलपुर महोदय के दूरभाष द्वारा हम लोग सूचना प्राप्त हुई थी। मतलब स्नान करते हुए लड़का डूब गया था। क्या उम्र होगी लड़के? वही 14-15। क्या नाम है लड़के का? लड़के का उस पिताजी नाम पता, यहाँ का लड़का नहीं है, वो दूसरे जगह का बाहरी है। वो इधर आपका पड़ता है जगदीशपुर अंचल में उसका घर। अभी एक बात सुनने के लिए बनी कि आपके क्षेत्र में एसडीआरएफ टीम आती है उसके साथ अभद्रता पेश करती है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो गलत है। मान लीजिए कि हम तो नहीं थे, यहाँ तो हमको बोला इंस्पेक्टर साहब कैसे ऐसे किया, लेकिन हम तो थे ही नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलत है। आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी वैसे लड़के पे? उसे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सर बोलते हैं कि हमको माफी मांग लिया, हम क्या बोलेंगे? बोलिए सर, आपके तरफ से क्या होगी? उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए।
विश्वनाथ मंडल मुखिया शंकरपुर।